आपको ने अपना टू व्हीलर सड़क पर पार्क कर दिया है, कृपया उसे यथा जल में कि हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय महापौर डॉक्टर अजय अतिथि महोदय के चरण हमारे इस विशाल प्रांगण पर पड़ रहे हैं कि ये चार विशिष्ट छात्र उन्हें घेर कर सुरक्षित मंच तक बड़े आदर और सम्मान के साथ पहुंचाते हुए धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्रीमान आपका इस मंच से हार्दिक स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आगे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि माननीय महापौर डॉक्टर अजय तिर्की जी सन 2004 से सन 2011 तक रामानुजगंज में चिकित्सक के रूप में अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और परेड की टुकड़ियों को सावधान कर दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ध्वजारोहण होगा और सारी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि सरगुजा में होली क्रॉस स्कूल में 30वां एथलेटिक मीट शुरू होने जा रहा है। बेटा पीछे आ जा, पीछे पीछे कौन है आगे लड़का? और इस प्रकार यह ध्वजारोहण संपन्न होता है। बहुत करतल ध्वनियों से इस विमुक्त झंडे का स्वागत करें बच्चों। क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विशाल प्रांगण में 30वें एथलेटिक मीट का झंडा फहराया जाता है। Remove darkness and enlighten the every corner of the world. It's time to call our chief guest, Mr. Ajay Tirki, to light the आलोक में गंभीर आलोक में आप मिस बरखा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मशाल सौंपते हुए और इस मशाल को लेकर इस विशाल प्रांगण में चारों ओर एक दौड़ लगाई जाएगी। सभी दिशाओं को एथलेटिक मीट की शुरुआत हो चुकी है और खेल के राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं वे मशाल को सौंप चुके हैं। इस मशाल को सौंप रहे हैं पलक भवाल तैराकी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और आर्या सिंह बैडमिंटन राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस मशाल को सौंप दिया है कपीश पलाश को जो कि चार बार बैडमिंटन के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्पोर्ट्स डे की परेड निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान। और इस तरह
निरीक्षण के लिए ट्रुप कैप्टन दिव्यांश दुबे द्वारा निवेदन किया गया और परेड के निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अब प्रस्थान करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय जस्टिस लेकर परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए इस श्वेत वाहन पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय महापौर डॉक्टर अजय तिर्की विराजमान हुए, साथ ही विद्यालय के प्राचार्य महोदय सिस्टर जस्टी और इसके साथ ही स्कूल के ट्रुप कैप्टन दिव्यांश दुबे इस मंच पर सवार हैं और अब यह वाहन धीरे धीरे परेड निरीक्षण के लिए आगे अग्रसर होता हुआ ये एक बहुत ही खूबसूरत क्षण होता है। शनै शनै आगे बढ़ते हैं, यह हमें हौसला देता है। श्रीमान सबसे पहले ऑरेंज हाउस प्लाटून की ओर बढ़ते हैं। बाद धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का यह श्वेत वाहन ऑरेंज हाउस बालिकाओं के प्लाटून की ओर बढ़ते हुए आरुषि पांडे ने सलामी दी। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय का यह वाहन यश गोयल ने सलामी पेश की। माननीय मुख्य सलामी को स्वीकार कर रहे हैं और स्वयं भी सलामी के मुद्रा में श्वेत वाहन में खड़े हैं। महापुरुषों का स्वागत प्रशंसा से किया उनका पाटुल की ओर अग्रसर होते हुए ये चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ बच्चे बड़े ही खूबसूरत परिधान में सजे सजे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का एक एक करके अभिवादन करते हुए इस तरह रेड हाउस के सामने निलय पांडे ने उन्हें सलामी दी। महोदय रेड हाउस बालिका प्लाटून की ओर बढ़ते हुए यहां पर तन्वी उपगड़े पूरी मुश्तैदी के साथ खड़ी है और उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी पेश की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने उनका अभिवादन स्वीकार बढ़ते हुए जहां पर उनकी प्रतीक्षा में है श्रीयम सिंह प्लाटून कमांडर श्री ने उन्हें सलामी प्रस्तुत की और इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय विद्यालय के बैग पाइपर बैंड की ओर बढ़ते हुए यह खूबसूरत सजा धजा लगभग 100 बच्चों का यह प्लाटून बैग पाइपर बैंड हमारे स्कूल का गौरव है। श्रीमान यह बैग पाइपर बैंड बड़े बड़े कार्यक्रमों में और अत्यंत गौरवपूर्ण कार्यक्रमों में गौरवशाली कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। अंबिका मुख्य मंच की ओर बढ़ते हुए मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि श्रीमान परेड के निरीक्षण के पश्चात बड़े आश्वस्त होकर लौटे हैं कि ये स्वस्थ बच्चे पुनः मंच के सामने उपस्थित होते हैं और हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय सिस्टर जस्सी हमेशा उनके साथ साथ ही ट्रुप कैप्टन दिव्यांश दुबे झंडे को हम झुकने नहीं देंगे। आज के इस एथलेटिक मीट में हमारे हाउस का यह झंडा बुलंद होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि जितने भी हाउस लीडर्स हैं वो धीरे धीरे स्लो मार्च के साथ दृढ़ इरादे के साथ ध्वज नंद की ओर बढ़ते हुए जहां पर हमारे विद्यालय के खेल प्रशिक्षक श्री संतोष बेहुरा, श्रीमती बरखा जायसवाल, सुश्री इंदु गुप्ता और उनके सहयोगी वहां पर उपस्थित हैं जिनके हाथों यह ध्वज प्रदान किया जाएगा। संतोष बेहुरा सर ने होली क्रॉस स्कूल के गौरव इस झंडे को होली क्रॉस स्कूल के बॉयज स्कूल कैप्टन दिव्य बंसल को झंडा सौंपा, साथ ही गर्ल्स स्कूल कैप्टन नंदिनी अग्रवाल को झंडा सौंपा गया। इसके साथ ही विभिन्न हाउस के जो लीडर्स हैं उन्हें उनके हाथों से ध्वज सौंप दिया गया। पांडे ब्लू हाउस से यश गोयल, प्रशंसा खिस रेड हाउस से निलय पांडे, तन्वी उपगड़े ग्रीन हाउस से श्रीयम सिंह और अर्शिका तिवारी अपने अपने गौरव को अपने गर्व को अपने झंडे को अपने सीने से लगाए अपने मस्तक से भी ऊपर उठाए वो
पूरी मुश्तैदी के साथ अपने पाठों को पढ़ते हैं और तेज चल के इस आदेश के साथ ही यह गौरवशाली परेड यहाँ पर शुरू होता है। दर्शक दीर्घा से जोरदार तालियां बजनी चाहिए इन बच्चों के लिए। यह परेड सलामी मंच के सामने से गुजरता हूँ। दिव्यांश दौरे के पश्चात स्कूल के बॉयज स्कूल कैप्टन दिव्य बंसल और उनके पीछे गर्ल्स स्कूल कैप्टन नंदिनी अग्रवाल और ऑरेंज हाउस के कैप्टन अंकित अग्रवाल अपनी टुकड़ी के साथ मंच के सामने से गुजरते हुए बंधी हुई पट्टी तना हुआ सीना कसे हुए आंख ये बताते हैं कि हमने जो तय कर लिया है उसे प्राप्त करके रहेंगे। और सलामी मंच के सामने से आरुषि पांडे के नेतृत्व में ऑरेंज हाउस की यह बालिकाएं आगे बढ़ते हैं। Is the blue house in their blue color, which symbolizes wisdom, trust, loyalty, and strength. Boys platoon led by Yash Goyal, followed by the girls platoon led by Prashansa Khes, carry their house flags. Blue house is. रेड हाउस के कैप्टन विलय पांडे ने अपने ध्वज को माननीय मुख्य अतिथि की ओर झुकाया। इस माध्यम से अपनी मन की भावनाएं पेश करते हुए रेड हाउस के ये जवान ये किशोर तन्वी उपगड़े जिस तरह से इन्होंने जोरदार अंदाज में दाहिने देख का नारा दिया निश्चित रूप से इनके दृढ़ इरादे को व्यक्त करता हुआ मंच के सामने से Now at your side, the gracious mass of greenhouse, dressed in green, symbolize nature, generosity, and fertility. Boys platoon led by Priyam Singh and girls platoon led by Anshika Tiwari carry their house flags. और हरे परिधान में अंशिका तिवारी मंच के सामने से गुजर रही है मजबूत और दृढ़ इरादों के साथ और सबसे पीछे यह सुंदर परिधानों में सजा धजा झूलता हुआ शानदार स्कॉटिश बैगपाइपर बैंड इस बैंड के रूप ने इस परेड को संपन्न कराया है। कार्यवाही संपन्न की जाएगी।
डॉक्टर अजयकर की हॉली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 30वें एथलेटिक मीट के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। तालियां बजाएं इस औपचारिक घोषणा के साथ ही आज के रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सिस्टर जेसी एंड ऑल अदर सिस्टर्स एंड पीटीआईज टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द 30th एथलेटिक मीट 2022-23 बाय रिलीजिंग द बलून्स। जहां जहां ये झंडे ये गुब्बारे जाएंगे और जो भी इन्हें देखेंगे उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त होगी कि होली क्रॉस स्कूल में एथलेटिक मीट की शुरुआत हो चुकी है। जोरदार तालियां बजाएं। पूरे गर्व से ये अपने अपने हाउस के झंडे को ध्वजदंड पर पुनः स्थापित करेंगे। के साथ इस संपूर्ण गतिविधियों को संपन्न पाठक और पाठों के उप कमांडर हैं क्रमशः अद्भुता सेनापति और अच्छा कमरान। और इस बैंड को पिछले एक महीने से कर रहे हैं हमारे शिक्षक द्वय इस बैंड को गढ़ रहे हैं हमारे शिक्षक द्वय श्री अनय राज ग्रिहार और श्री अनिकेत सिंह। कि जो इनके ड्रमर हैं वो अपने ड्रम की आवाज से इस पूरे प्रांगण को गुंजायमान कर देते हैं। श्रीमान कृपया उसे महसूस करें। और ये बता दो इंडिया गेट के लोकप्रिय और ये स्नैक
सांप का आकार लेकर यहां पर एक नया प्रारूप बनाया जाएगा। ये बच्चे अपनी ही जगह पर घूमते हैं। एकत्र हो रहे हैं। मैं याद है एक महीने से ये बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और तो देते हुए मंच के सामने से घूमते हुए बैंड बजाते हुए बैक हॉल पर बैंड बजाते हुए ये बच्चे
the future that will help in making our country great. और ये दौड़ पड़े देखिए और ये निर्णय यादव
टाइम आ चुका है और विजेता भी हमारे साथ है। इसमें एक विजेता ने इन्हें विजय दिलाई है। Now we could see the next event for LKG boys, jumping jack. Jumping jack. Boys, jumping jack. आपको jump करते हुए finishing point तक जाना है, ठीक है? ये jump करते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए. Jump करिए, jump करिए, jump करिए. Jump करिए बच्चों, दौड़िए मत. Jump करिए, jump करिए, jump करिए. देखिए जीवन में उछलने का भी महत्व होता है, उछलना कूदना। कृपया तालियां बजाते रहे। देखिए इतने प्यारे बच्चे आपके सामने अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और ये देखिए हर्षित कुमार भारती, आर्यमन गुप्ता दौड़ पड़े हैं अपना गुब्बारा लेकर। वे इस गुब्बारे पर बैठ कर इसे फोड़ेंगे। सबका गुब्बारा चेक किया और ये फोड़ कर गुब्बारा आगे बढ़ेगा। उसके बगल में एक और सफेद बदक आगे निकलता हुआ। हार्दिक आनंद, सूरज कुमार, अक्षय चतुर्वेदी, आचार्य प्रताप, कबीर बंसल, अवध्या केसरी, ईशान कुजूर, दिव्य राज, मयंक अग्रवाल। मैं मध्य में यह जो गीत बन जिन्होंने कक्षा पहली में 99.9% अंक हासिल किए। For the events, KKGF, second position, Dhari Maheshwari, LKGD, and third position, Guru Singh Yadav, LKGA. Give a big round of applause for these winners. माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से इन बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। Jumping jack, LKG boys for Shivansh Garg and for Divya Goyal and Aryansh Saini. Third position goes to two children, Divya Goyal and Aryansh Saini. First position Manas Singh, second Roshan Kumar Deshmukh, जो अभिभावक वीडियो बनाने के लिए बहुत आगे तक आ जा रहे हैं कृपया वे कॉपरेट करें।
वो कृपया अपने स्थान पर बैठे हैं, वहीं से वीडियो बनाएं, कृपया मंच को छोड़कर नीचे न उतरें, सहयोग करें कृपया। ठीक है, अभी अभी तक आप जहाँ बैठे हैं उसके आगे मत बढ़िए, आप सभी सामने से हट जाइए, अभिभावकों को देखने दीजिए, उनके बच्चे हैं यहाँ पे, सामने से हट जाइए बच्चों। वॉलंटियर्स बच्चे सामने से हट जाएंगे, इन छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो आपके सामने खड़े हैं। देखिए अभिभावक गण जो यहाँ खड़े हैं, हमारा पूरा पुरस्कार सजा हुआ है, कृपया यहाँ से आप मंच खाली कर दें। सुनिए ना, आप यहाँ से प्लीज, यहाँ से प्लीज स्वीकार करें सर, सर प्लीज, सर का नाम गिरवा दीजिए, सर प्लीज, यहाँ पर देखिए पूरा पुरस्कार रखा हुआ है, मैडल रखे हुए हैं, कृपया यहाँ से तशरीफ ले जाएं, कृपया सहयोग करें, आप ही के बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है सर। कृपया उधर से दर्शक दिखा में आ जाए सर। Another lord ready for the duck race. अभिभावक गणों की भावुकता को हम समझ सकते हैं, बच्चे जब यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दे रहे होते हैं तो उनके लिए वो सबसे सुखद क्षण होता है, हमारे लिए भी सबसे सुखद क्षण है, तो कृपया सहयोग करें क्योंकि परेशानी होती है, हमें कृपा करें। और इस माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कमलों से सभी बच्चों को ये जुम्बा डांस बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा यहाँ दी जाएगी, कृपया इनके परिधान पर नजर डालें, लाल और नीले परिधान में ये बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इन बच्चों को देखना ही अपने आप में किसी संगीत से कम नहीं है, तो आइए देखते हैं यह जुम्बा डांस। We'll be right back.
सेकेंडरी स्कूल के 30वें एथलेट मीट के अवसर पर उपस्थित हमारे अति सम्मानीय राइट रेवरेंड फादर अंतरिस प्रणव, अति सम्मानीय प्रिंसिपल सिस्टर जेसी, अति सम्मानीय सिस्टर मैनेजर सिस्टर, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सिस्टरगण एन अनुराधा मैडम, उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया और जो बातें रखी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बोला है, क्योंकि इतनी तारीफ हो जाने के बाद में आपको उस चीज़ को मेंटेन करना, जैसे कि हॉली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अपना रेपुटेशन मेंटेन करने में, क्योंकि एक बार रेपुटेशन बन गया है उसको मेंटेन करना और मुझे अपने तारीफ को मेंटेन करना एक सवाल लगता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबिकापुर, क्योंकि अंबिकापुर का एक एक व्यक्ति पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के नाम से जाना जाता है, और अंबिकापुर शहर जब हम दिल्ली में प्राइज लेने जाते हैं तो आप एक एक व्यक्ति को हम याद करते हैं। अतिथि महोदय डॉक्टर अजय तिर्की जी को यह स्मृति चिन्ह प्रस्तुत किया गया, साथ ही एक मानक के रूप में शॉल उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा, भेंट किया जाएगा। सर ये शॉल आपके सम्मान में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। यह शॉल हमेशा हमारे स्नेह होली क्रॉस स्कूल के स्नेह की याद आपको दिलाता रहेगा। श्रीमान आप हम पूछिए की पहचान है, बंदर मामा चल पड़े हैं, देखिए। हाँ देखिए, अच्छे अच्छे कुशल बंदरों को भी मात दे देंगे ये। हाँ देखिए कितने खूबसूरत ढंग से चल रहे हैं ये लगता है कि असली बंदर उतर आए हैं। वास्तव में सचमुच भाई कहते हैं हम सभी को, अभी आप देख लीजिए इनको, इस तरह ये खूबसूरत रेस यहाँ पर संपन्न कर सूंड हिलाते हुए और पूंछ हिलाते हुए इस रेस में आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हाँ सूंड हिलाते हुए पूंछ हिलाते हुए, सूंड हिलाते हुए पूंछ हिलाते हुए, सूंड हिलाइए पूंछ हिलाइए, और इस तरह कुछ हाथी राजा मस्तानी चाल। सबसे पीछे हाथी चल रही है, ये तो कमाल कर दी। श्रीजा गुप्ता, तेजस्विनी पैत्रा, हर्षिका कुशवाहा, कल्पना किरण, सुश्री सौंदर, अनिता सिंह, न्यासा वर्मा, काव्य अग्रवाल, निया मिश्रा, रुचिता चंद्रकांत, और ये दौड़ चुके बच्चे ये रिंग अपने गले में पहने, और अब ये दूसरा रिंग पहनना है, और देखिए कितनी कुशलता के साथ ये बच्चे अपने रेस में आगे बढ़ रहे हैं। और इस रेसल के साथ ही ये बच्चे देखिए कितनी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। शताब्दी सिंह, मान्या गुहा, कनक सिंह, प्रज्ञा जायसवाल, प्रियंक गुप्ता, अवनी मिश्र, शौर्य सिंह, आस्था सुनकर, इसके बाद दौड़ने हैं प्रीति गोयल, काव्य सिंह, अद्विका जायसवाल, ऐश्वर्य बघेल, बच्ची अपने ट्रैक पर खड़ी हो चुकी हैं। कक्षा एक की ये बच्चियां हैं। वरिष्ठ खेल शिक्षक संतोष बहुरा सर उन्हें निर्देश दे रहे हैं, और उन्होंने ही विसल बजाया और ये बच्चियां दौड़ पड़ी हैं। और थोड़ा कठिन है प्रथम द्वितीय और तृतीय को चुन पाना, बहुत ही नजदीकी मामला होता है, लेकिन हमारे जो रेफरीगण हैं बड़े मजे हुए और सिद्धहस्त हैं, सेकंड की भी बारीकी को पहचान जाते हैं और सही निर्णय तक पहुंचते हैं। Here we have the results of 50 meter race for standard one boy. Siddharth Nayak first, Shaurya Jaiswal second, 1C, and Siddharth Singh, standard one A third. एक हाथ पीछे, एक हाथ पीछे. एक हाथ पीछे. No cheating, no running. पीछे. जैसे हम लोग. एक हाथ पीछे.
एक हाथ पीछे, एक हाथ पीछे लगाओ, एक हाथ पीछे लगाओ, पीछे ना, ठीक, और आगे चलो चलो। तो बॉल, चलो चलो चलो, दौड़ दौड़ दो, उसकी तैयारी चल रही है। इसमें आप सभी देख रहे हैं, सभी के हाथ में एक गेंद है, गेंद को जमीन पर पटकते हुए उछालते हुए आगे बढ़ना है। खेल का आदर्श ये है कि जीवन में आप यूं ही नहीं दौड़ जाते हैं, आपके पास पूरी योजना होती है, आपके पास कुछ काम होते हैं जिन्हें करते हुए आपको जीवन पथ पर आगे बढ़ना है और विजय हासिल करना है। इनके अभिभावक जहाँ कहीं भी हों, इस मंच के पास आकर ले जाए। आपका एक हाथ बैक रहेगा, तो पूरा क्रॉस करेंगे, रिवर्स से पहले कोई नहीं रुकेगा, ओके? थैंक यू। सो बाउंसिंग द बॉल, बॉयज, बता मैम, बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय मिसेस इंडिया, एक बार ध्यान दो फिर। Here the race begins. Let's see who will be the front runner and who will drop the ball. और ये रेस संपन्न हुआ। आर्या सिंह, आर्या कुजू, आंटी सिंह, बच्चों को देखिए और सीखिए। गर्ल्स, आपके दोनों हैंड्स बैक करिए, हैंड्स बैक करिए, आपके दोनों हैंड्स बैक रहेंगे और आपको वॉक करते हुए फिनिशिंग पॉइंट तक जाना है, और अगर जिसका बुक बीच में गिर जाता है वो वहीं से मिस कर। बाद इन बच्चों के साथ है, उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। जिस रेस की शुरुआत, ऐसी शुभकामना हम बच्चों के लिए करते हैं। थर्ड बी, थर्ड ऑफ ऑरेंज हाउस, और ये बच्चियां अब स्मरणीय हैं। कितने प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से भविष्य के। Take your bag, I'll step in line.
कुशलता के साथ पिरामिड बनाया जाएगा और ये सारी प्रक्रिया जो बच्चे संपन्न करके दौड़ जाएंगे और प्रथम आएंगे वही प्रथम कहलाएंगे। और ये बच्चे दौड़ पड़े और ये दूसरे और कुछ तीसरे स्थान के लिए समीक्षा सिंह एंड अनिका चतुर्वेदी फ्रॉम ऑरेंज हाउस प्रियांशी गुप्ता वी आर ऑल्सो रेडी फॉर द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस सेकंड माफ कीजिएगा मिस अनुराधा चुनाव बड़ा अच्छा था Cheerleaders have hearts of gold and nerves of steel. So let's welcome the students of Standard 4 for their rapturous performance. Give a big round of applause for the exhilarating program. इधर इधर साइड में आता हूँ। All the students will be moving to the front. Take their position and then only the music will be played. All the students will move to the front. Take your position. We will just divert our mind towards the scoreboard. Orange house 1010 points. Blue house 750 points. Red house 1240 points and the lead is taken by the green house with 1270 points. जोरदार तालियां बजाइए। अब तक ग्रीन हाउस
and I put your brains so don't sleep or sleep on the shoes. I don't play your games, but don't get confused, no, cause you will lose, yeah. Pump it up, pump it up, pump it up, and make it up like a talking drum. Let the rhythm change your world.
तालियां बजाइए तो बच्चे यहाँ पे प्रस्तुति देते हैं, लेकिन दर्शक दीर्घा से कोई आवाज नहीं आ रही है। कृपया मोबाइल अपनी हाथ में रखें और अपने ही बच्चों के लिए तालियां बजाएं, हाथ को थोड़ा फ्री करें। ये कम बड़ी बात नहीं है। हाँ ये बहुत बड़ी बात नहीं आएगा। अभी आपको सजाना है अपने पार्ट में, ये माला पहनाया, ये कभी इन्होंने मेकअप का सामान देखा होगा भी कि नहीं, कैसे एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जरूरत है। देखिए एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं। One say you are worthy of the prize, the other say you are the prize. Yes, it's time for the final prize distribution. वेरोनिका के हाथों से ये बच्चे सम्मान प्राप्त करते हुए निश्चित रूप से यह उनके जीवन में अद्वितीय क्षण है। साथ ही सिस्टर जया उनका सहयोग कर रही है। स्मरणीय क्षण होता है ये, जब आप अपनी उपलब्धियों के लिए दूसरे से मिलेंगे तो इन स्मृतियों को याद करेंगे कि तुमने मुझे सजाया था और हम फर्स्ट आए थे। देख रहे हैं एक तोता है
निश्चित रूप से यह सुवा नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, बच्चों को यथास्थान खड़ा कराया जा रहा है, उसके बाद आप ये खूबसूरत लोक
और इस लोक नृत्य के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हमारी यह प्रस्तुतियां यहीं पर संपन्न होती हैं। इन चारों शहरों में शांति बनी हुई है, हैप्पी रहे हैं और मजे से हैं, लेकिन जैसा कि खेल का नाम है बॉम्बिंग द सिटी, मतलब कि अचानक से किसी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होगा। इन चारों शहरों में ही अचानक से किसी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट से पहले आपको शांति से अपना जीवन बिताते हुए सर्कल लगाते रहना है म्यूजिक के साथ, चक्कर लगाते रहना है आपको म्यूजिक के साथ। जैसे ही म्यूजिक रुकेगा, मेरे द्वारा अनाउंस किया जाएगा कि कोलकाता शहर में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं, जैसे म्यूजिक रुकता है आपको किसी एक शहर में जुट के खड़े हो जाना है। आपको म्यूजिक रुकने के साथ किसी एक शहर के पास झुक जाना है, रुक जाना है, वहां पास इकट्ठा हो जाना है। उसके बाद अनाउंस किया जाएगा कि फलाने शहर में ब्लास्ट हुआ है। जिस शहर का नाम भी ब्लास्ट में आएगा, उस शहर के लोग सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इनके सामने से पूरा सर्कल गोल सर्कल बनाओ, किसी भी ग्रुप से खड़े हो जाए।
वाह बधाई हो, इतनी गंभीर बीमारी में आप बच गए। तो साहब हम आए हैं जो भीषण बीमारी में बच गए हैं और अभी खैर मना रहे हैं कि हम बच गए, उन्हें यहाँ से सम्मानित किया जाएगा। और ये ग्रीन हाउस को विजेता का सम्मान मिला यहाँ पर, ग्रीन हाउस के छात्र, ग्रीन हाउस के इंचार्जेस बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, उन्हें बहुत बहुत बधाई। दूसरे स्थान पर रेड हाउस और रेड हाउस को दूसरा स्थान प्राप्त होता हुआ रेड हाउस के जो छात्र हैं, रेड हाउस के जो इंचार्ज शिक्षकगण हैं, बधाई। और तीसरे स्थान पर रहेगा ऑरेंज हाउस। और ब्लू हाउस के लिए मैं कहूंगा कि मंजिल मिले मिले, मेरा कारवां तो है, मैं चला तो था। ढेर सारी बधाई आप ब्लू हाउस के खिलाड़ियों के लिए। चौथे स्थान पर सभी हाउस के बच्चों को बहुत बधाई। Thank you once again. Thank you. Ashalam.